नमस्कार, अर्थ प्रकाश में आपका स्वागत है। मैं हूं साजन शर्मा। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सेक्टर 45 बुड़ैल के नरेश गर्ग, एक ऐसे युवा की कहानी जिन्होंने अपने साथियों को, जो कि नशे के चंगुल में बड़ी बुरी तरह फंस चुके थे, उसकी दलदल में जो है धंसे हुए थे, उनको ना केवल उस दलदल से बाहर निकाला बल्कि उन्हें एक ऐसे मार्ग पे जो है प्रशस्त किया जिस मार्ग के ऊपर जो है अब वो सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं, धर्म के ऐसे मार्ग पे चलाया। आज वो युवाओं की टोली जो है बहुत सारे सामाजिक कार्य कर रही है, जिसमें गौशालाओं में जाके गायों के लिए जो है दान देते हैं, जो कुत्तों को है कुत्तों को रोटी खिलाते हैं, जो लड़कियां हैं गरीब लड़कियां उनको जो है शादी उनकी शादियां करवाते हैं। आइए हम नरेश जी से ही जानते हैं कि किस तरह से जो है ये सारा सिलसिला आगे बढ़ा। नरेश जी बताइए, आपका स्वागत है। मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आज शास्त्र जी ने मुझे ये जगह सौंपी कि मैं अपनी दिल की बात आप सबसे शेयर कर सकूं। आज से 10-12 साल पहले की बात है, हमारे युवाओं की एक टोली हुआ करती थी जिसमें कि हम 10-15 बंदे हुआ करते थे। वो 10-15 बंदों में से बहुत दो तीन लड़के छोड़ के बाकी सब नशे की लत में थे जी। उसमें एक लड़का था जी करण श्रीवास्तव, वो बहुत ही सुंदर परिवार से था जी, अच्छे परिवार से था, तीन बहनें थी जी उसकी। वो एक युवा समय आने के बाद आपको पता है कि वो ऐसे ग्रुप के लिंक में चला गया जो नशा करता था जी। नशा करते करते उसके ये हालात आ गए थे कि ना तो उसकी रूह रही, ना शक्ल रही, ना ही परिवार रहा। एक समय था जी जिसने मेरे टाइम को बहुत बदल दिया था, हमारे को सोचने मजबूर कर दिया था कि हम कहाँ जाएं और कहाँ ना जाएं। उस परिवार में 5 साल 6 साल नशा करने बाद उस लड़के की नशे की वजह से मौत हो गई थी, जिससे कि उसके परिवार की, उसकी तीन बहनें जो थी, सारा घर तहस महस हो गया था। उस समय हम 5 लड़कों ने प्रण लिया था कि हम अपनी तरफ से इतना जोर लगाएंगे ताकि चंडीगढ़ का युवा नशे तो करे ही ना बल्कि सामाजिक और धार्मिक कार्य भी करे। अगर समझा जाए जो सामाजिक कार्य है वही धार्मिक कार्य है, ये सिर्फ एक समझने की बात है। अगर आप किसी को भूखे को खाना खिला रहे हो वो सामाजिक कार्य भी है और धार्मिक कार्य भी है। तो इस सोच को लेकर हमने 2012 में ओम महादेव कावड़ सेवा दल का आयोजित किया गया। उसमें हम लोग पीजे के बाहर भंडार लगाने लगे, जहाँ पे जो लोग बाहर सोते थे उनको कंबल देने लगे, जो सर्दियों में गरीब लोग सड़कों पे सोते हैं उनको कंबल देने लगे। ऐसे करते करते हमने इस सेवा दल को शुरू किया। शुरुआत में बहुत दिक्कतें आई हैं, पैसों की बहुत दिक्कतें आई हैं, कई लोग नहीं समझते थे हमको, पर हमारा जो युवा है ना वो यहाँ और यहाँ से बहुत आगे है। जब उसको यहाँ बात समझ आती है ना और जब यहाँ से साथ लग जाता है वो आसमान को धरती और धरती को आसमान करने की हिम्मत रखता है। और ये हमारे साथ 2015 में होने लग गया। 3 साल बहुत स्ट्रगल किया, पैसे भी इकट्ठे करते थे, दान भी मांगते थे, धीरे धीरे शुरू हुआ, आपस में 500 करोड़ डाल के काम करते थे। पर आपकी कृपा से जी जब 2015 में धीरे धीरे हम कॉलेजों में, स्कूलों में, लिंक में जाने लगे, आज हमारे साथ 4 से 5 हज़ार लोग युवा हैं, जिसमें सबसे बूढ़ा बंदा मैं हूँ जी 35 साल का, बाकी सब 22 साल 18 साल 21 साल 23 साल। मैं नहीं कहता कि मैं आगे नशे रोक पाऊंगा, पर जो मैं बहुत दिल से कह रहा हूँ कि जो मैंने भाई को उसको मरते हुए देखा है, जो उसको नशे में देखा था, जिस तरह से वो कलप कलप के मरा है, वो आत्मा निकलती अंदर से, वो गिर जाता था नशा करके, इतना सुंदर लड़का होने के बाद हमारा बस यही रहा जी, मैं नहीं नशे रोक पाऊंगा मुझे नहीं पता, पर अगर 5 हज़ार बंदा खड़ा होगा, 10 हज़ार बंदा खड़ा होगा, कम से कम ये तो नहीं करेगा, आज 10 नहीं करेगा, कल को 11 हो जाएंगे, कल को 13 होंगे, कल को 15 होंगे, और 1.5 लाख भी होंगे और 15 लाख भी होंगे। हमारा कोई रोल नहीं है, हमारा यही रोल है किसी माँ का बेटा ना जाए, किसी बाप का बच्चा ना जाए, किसी बहन का भाई ना जाए, किसी पत्नी का पति ना जाए। कोई बंदा बुरा नहीं है, उसके नशा करके ऐसे हालात हो जाते हैं कि वो सबके लिए बुरा बन जाता है। किसी भी नशे की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, वो पीछे से अमीर और माँ बाप उसकी इज्जतदार होते हैं। उसके माँ बाप का कसूर क्या था जिसने उसको पाल पोस के कॉलेज तक पढ़ाया? उसकी बहनों का कसूर क्या था जिनमें 3 बहनों पर 1 भाई था, उसका कसूर ये था? ना तो नशे वाला कुछ गया जी, और ना ही करवाने वाला कुछ गया, गया उस परिवार का जिसका बच्चा गया, जिसका भाई गया, जिसका पति गया, उस परिवार का गया, जो एक धांधली कारोबार हमारे पूरे पंजाब में, हमारे शहरों में घुलता जा रहा है। आज तो मेरा भाई जा रहा है, आज मेरा दोस्त जा रहा है, कल को उसके शिकार हम लोग भी हैं। हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिस दिन आप ध्यान दोगे उस दिन देखोगे कि हम कमा नहीं रहे हैं, अपने बच्चों को खो रहे हैं।
हम आज शिक्षा दे रहे हैं लाखों रुपए की अपने बच्चों को, करोड़ों की यूनिवर्सिटी में डलवा रहे हैं, ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, पर हमें ये भी ध्यान देना जरूरी है कि जहाँ पे नशे कार्य हो रहे हैं उनको बंद करवाइए, आप बढ़ चढ़ के आगे आइए। आज आपके साथ 5 से लेकर 7 हजार चंडीगढ़ का युवा, मतलब चंडीगढ़ का 2% युवा हमारे साथ है, 2% समझते हैं आबादी का, 2% चंडीगढ़ 2% आबादी का युवा हमारे साथ है, और हम आपको जुबान करते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर ये युवा आपको चंडीगढ़ के हर नुक्के पे खड़ा मिलेगा बोर्ड लेके, नशा छोड़ो जिंदगी बचाओ। ये मैं आपसे नरेश गर्ग बाबू जी की कृपा से विश्वास दिलाता हूँ कि 1 साल के अंदर हर नुक्के पे एक बंदा खड़ा मिलेगा जो आपको ये कहेगा नशा छोड़ो जिंदगी बचाओ, ताकि आपका परिवार, हमारा परिवार कमा सके, घर बसा सके और जिंदगी को आगे लेके जा सके। तो नरेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि युवाओं को किस तरीके से प्रेरित करते हैं आप कि नशे की ओर से हटो और जो है एक आम जिंदगी गुजारो और सामाजिक कार्यों के अंदर लोगों किस तरीके से आप चलाते हैं उनको? इसका कुछ नहीं है जी, हमारे बच्चों को उनको बस बताना होता है, जैसे कि हम कहते हैं कि बाप और बेटी की लड़ाई क्यों होती है, क्योंकि वो आपस में बात नहीं करते हैं। आप युवा से बात करिए बस कि बच्चे इस तरफ तो नुकसान ही नुकसान है, तू ये कर, तू एक बार ये करके देख। अरे कुदरती, जब हम सामाजिक और धार्मिक कार्य करते हैं ना तो हमारी जो रूह है ना वो उसको खुशी मिलती है, ये बात सत्य है। आप जब किसी को प्यासे एक गिलास पानी पिलाते हो, आपने एक मिनट नोट किया है कि आपको कंपन होती है। वो कंपन क्यों होती है? हर बंदे का एक कंपन का ओरा होता है, हर सृष्टि का एक कंपन का ओरा होता है। जब हमारा माइनस 5 डिग्री सेल्सियस होता है और हमारे जानवर जिंदा होते हैं, उसका एक ओरा काम करता है, तो हमारा कहने वाला का ये ओरा होता है, बस हमें उस ओरे को बताना होता है। पहले हमारे बुजुर्ग, हमारे परिवार, हमारा समाज इसके बिल्कुल खिलाफ हुआ करता था। हमारे समाज में धन नशे का इतना कारोबार नहीं था, अब नशे का कारोबार इतना चला गया है, आप जितने मर्जी पैसे कमा लें, आप जितनी मर्जी बड़ी यूनिवर्सिटियों पढ़वा लें, अगर बच्चा नशे में चला गया तो वो सब राख है, राख है, राख है, आज मेरा है कल को आपका भी हो सकता है। तो ये कौन सी संस्था जो है आपने स्थापित करी और किस संस्था के थ्रू जो है ये आप सामाजिक कार्यों में जुड़े? मैं जी एक बार पीजे गया था, वहाँ पर मैंने भंडारे होते देखे थे, तो उससे मैं सीखा ली थी कि ओम महादेव कावड़ से एक सेवा दल बनेगी जो कि 16-32 PGI जितने हमारे ट्राई सिटी में हॉस्पिटल्स हैं, जो जरूरतमंद है वहाँ पर हम खाना भिजवाते हैं ताकि हर भूखे को खाना मिल सके, और हम हर सर्दियों में जी कंबल बांटते हैं और हर गर्मियों में 2 या 3 कूलर हम असाइनमेंट कराते कराते हैं ताकि जो ये रेडी वाले हैं, साइकिल वाले हैं, ये तत्पा उसको पानी पी सके जी। इसमें क्या, जब बच्चे इसमें इंक्लूड होते हैं तो बहुत खुश होते हैं। अब हम 11 कन्या का विवाह करवा रहे हैं, उसमें 2 लड़कियां ऐसी हैं जिनका बाप और भाई सिर्फ नशे की वजह से मरा हुआ है। आज हमने, हमारे पास 6-7-8 परिवार पक्के हो चुके हैं और उसमें से 1-3 परिवार कम से कम ऐसे आ चुके हैं जिनके परिवार की मुखियाओं की मौत सिर्फ नशे की वजह से हो रखी है। आज हमें फिर, आज हम सोचे थे हम जीत गए हैं, पर ये लाइन सुन के मेरे को लगा मैं फिर हार गया हूँ, और आज मैं इनकी स्टेज पर आया हूँ आप सबसे मदद मांगने के लिए। मदद सिर्फ इतनी चाहिए है कि हम सबको इकट्ठे रहना है, मदद सिर्फ इतनी चाहिए है कि हमको अवेयर करना है, मदद मेरे को इतनी चाहिए है कि कोई बंदा, किसी बच्चा, कोई माँ नशे से ना मरे। किसी भी प्रकल्प को चलाने के लिए जो है अर्थ की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, ये किस तरह से मैनेज करते हो आप? इतने बड़ी जो लेवल पे अब इस संस्था के थ्रू जो है सामाजिक काम कर रहे हो, किस शादियां करा रहे हो गरीब कन्याओं की, भंडारे चला रहे हो, जानवरों को, गौशालाओं को जो है वहाँ जाके गौओं को जो फीड करते हो, तो किस तरीके से ये पैसा आप लाते हो? मैंने अभी आपसे कहा था कि 2015 में हमारे में बदलाव आया, जैसे जैसे युवा हमसे जुड़ने लग गया तो युवाओं के माँ बाप भी हमें समझने लगे कि बच्चे सामाजिक कार्य तो कर ही रहे हैं, उसके बाद वो बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत भी करते हैं, अपने परिवार को समय देते हैं, अपने पढ़ाई को समय देते हैं, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम इनका सहयोग करें। हमें कोई 1 रुपया देता है, कोई 100 रुपया देता है, कोई 200 रुपया देता है, ऐसे हम लोग कम से कम 1500-2000 परिवार से पैसे इकट्ठा करते हैं, वो पैसे इकट्ठा करके हम लोग सारा डोनेशन में लगा देते हैं। हमने उसमें क्या करना होता है, मात्र जो गौशालाएं हैं, जो भंडारे चल रहे होते हैं, हम टीम वर्क काम करते हैं, हर टीम के 50 मेंबर होते हैं, जैसे 16 भंडारा लगा 50 लड़के चले गए, 32 भंडारा लगा गौशाला चले गए, SPCA जो हमारा हॉस्पिटल है यहाँ पर, और हम इसके वो भी करते रहते हैं। जैसे कि हमने अभी कुछ समय पहले जीरकपुर में पटियाला रोड की तरफ एक मोर्चा निकाला था जिसमें 100-150-200 लड़के थे कि नशा छोड़ा परिवार बचाओ, क्योंकि हमारी सीमाओं के आसपास नशों का धंधा इतना चल रहा है। पहले तो पंजाब के साथ पाकिस्तान है, जिसके से हमारे में पंजाब, हमारी जो हमारे देश की सबसे खुश हाल जगह है वो पंजाब और हरियाणा है,
जो हमारे पूरे इंडिया को वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करता है अन्न के समा अन्न के अंदर। कोई कंट्री हमारी स्टेट ऐसी नहीं है जो अन्न में अनदर स्टेट पे रिप्रेजेंट करता है, वो सिर्फ और पंजाब और हरियाणा है। बट इनकी सीमाएं ऐसी देशों के साथ लगी हुई हैं जो कि हमारे देश में नशा बढ़ाना चाहती है, वो चाहती है कि हम नीचे नीचे इनको खोखला कर दें। उस खोखले के लिए वो खोखले के लिए बढ़ती बढ़ती पहले वो घरों तक थी, आज वो शहरों पहुंच गई है और आज वो हर घर में है। बस देखने का फर्क है। आप जब जब अपने बच्चे को ध्यान हटाओगे आपका बच्चा नशे में पाएगा, ये सत्य है। अभी आपके सामने मैं बैठा हूँ, ये बहुत मूर्खता की बात लग रही है, आपको लग रहा है पत्नी कौन लड़का क्या बात मार रहा है, पर जब जब आप 6 महीने अपने बच्चे तो मत देखो साथ, अपने बच्चे ग्रुप चेक कर लेना आप, अपने बच्चे के जो 5 लड़के दोस्त होते हैं, हर बंदे के 3 या 4 दोस्त होते हैं, उन 4 दोस्त से आप बात कर लेना, उनमें से एक लड़का 100% सिगरेट या नशा करता हुआ 100% मिलेगा आपको। ये मेरी आपसे जुबान है, अगर सत्य ना हुआ मैं 1,00,000 रुपये जुर्माना दूंगा और जहां मुझे जो सजा दीजिएगी मैं उसको सही दिल से लूंगा, ये सत्य है। चंडीगढ़ के साथ ही सटता हुआ पंजाब है, पंजाब का इलाका है, पंजाब के अंदर ये बड़ी जबरदस्त समस्या जो है नशे की चल रही है और एक उड़ता पंजाब जिसको कहा जाता है, और पंजाब में इलेक्शन भी है और इलेक्शन के दौरान में राजनीतिक पार्टियां इसको एक मुद्दा बना रही हैं कि हम नशे को समाप्त कर देंगे। तो अगर इस किस तरीके से, मतलब आप जो कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं आप उस पर थोड़ा सा 2 मिनट का एक प्रकाश डालिए ताकि उन पार्टियों को भी पता लगे कि किस तरीके से इनका जो है बदलाव लाया जा सकता है युवाओं में। हमारे हरियाणा में बहुत अच्छी कहावत है, करनी और कथनी में बहुत बड़ा फर्क होता है। कहने से तो पता नहीं क्या क्या हो गया है, कभी भी किसी सरकार ने कहीं प्रोजेंडे चलाए हैं, कहीं बड़े बड़े बोर्ड लगवाने से नशे नहीं छुटा करते हैं, अवेयर करना पड़ता है। जैसे कोरोना के लिए अवेयर किया गया था, मास्क के लिए चलान काटे गए थे, सीटों के लिए चलान काटे गए थे जहां नशे के होते हैं, इन सब से मिलके काम किया जाता है। अगर हमारी सरकार पूरी सपोर्ट कर दे, युवाओं को सपोर्ट दे, जो लड़के कॉलेजों में हैं कॉलेजों में कैंप लगाए जाएं कि नशा करने से आपका परिवार रुल जाएगा, उनको ये मत बताए कि परिवार नशा करने से तुम्हारा शरीर खत्म होगा, शरीर तो खत्म होगा होगा, आपका परिवार खत्म हो जाएगा। उसको जब हम अवेयर करेंगे, मैं नहीं मानता कि कोई भी लड़का या कोई बच्चा 20-22 साल के अंदर इतना निर्दयी होता है कि अपने माँ बाप को मार के नशा करना पसंद करेगा। मैं नहीं करूँगा जी, मैं नहीं करूँगा। और मैं ये उम्मीद भी करता हूँ, मैं 5 से लेकर 8,000 युवाओं से मिला हूँ और मैंने जितने युवाओं से बात करी है उनमें से कई लोग तो ऐसे थे जो कि नशे के इतने नशेड़ी थे कि उनको नशे के लिए वो लोग प्लास्टिक उठा के बेच कर अपने लिए दारू का या नशे का सामान इंतजाम करते थे, और आज वो सेवादल में इतने बढ़िया काम कर रहे हैं, वो चाहते हैं उनको पता लगा कि ज़िंदगी क्या होती है। एक लड़का था जो पूरा दिन सीटे नशा कर करके रात को सो नहीं पाता था, ना भूख लगती थी ना प्यास, क्यों, नशा उसकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर देता है, इसके लोग घर में चोरी करने लग गया। तो यही समय बाबूजी, मेरा यही मानना है, कहना कुछ नहीं है, स्कूल कॉलेजों में रोडों पे कैंप चलाए जाएं ताकि लोगों को बताया जाए कि नशा शरीर तो ख़त्म करता करता है, आपके परिवार आपके माँ बाप आपके भाईचारे को पूरा ख़त्म कर देता है। कभी भी एक नशे की वो देखना, नशेड़ी कभी माड़ा नहीं होता, परिवार उसका ठीक होता है, पर नशा उसको इतना माड़ा बनाया जाता है कि उसका पूरा परिवार ख़त्म करवा देता है। तो ये हमारे साथ थे ओम महादेव कांवड़ सेवा दल के संस्थापक चंडीगढ़ के, हाँ जी, और जिन्होंने अपने जो है इरादों से ये जाहिर कर दिया कि अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो युवा जो है इस नशे की दलदल से बड़े आराम से निकल सकता है। सिर्फ इच्छा शक्ति की ज़रूरत है और साथ में ज़रूरत है एक धर्म की राह पे चलने की। ईश्वर खुद बखुद जो है मदद के लिए आगे आएगा। आप सामाजिक कार्यों में जुड़िए, अपने आप को जो है इतना तल्लीन रखिए, इतना अपने आप को उसके अंदर जो है मशगूल रखिए कि आपको नशे के लिए समय ही ना मिले, लोगों की सेवा करिए। अर्थ प्रकाश के लिए साजिन शर्मा। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।